हेलो स्टूडेंट्स, आर टॉपिक इज टुडेज टॉपिक इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये जो कैरेक्टर है ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ में आता है और इसका जो दूसरा नेम है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम इसी को बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखिए, कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है, सिंपली अगर कोई एटम प्रेजेंट है, न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं। लेकिन कोई भी एलिमेंट जब अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इट वॉन्ट टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए, ऑप्टेन करने के लिए जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ओके, इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करते हैं तब उन पर जो चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अपने आउटर मोस्ट शेल को फिलअप करने के लिए कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है तो उस कैपेसिटी को ही हम, इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपने आउटर शेल में फिलअप करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं। ओके, तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि कोई एलिमेंट की एनायन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, एनायन बनाने की प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रॉपर्टी एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं, इज नॉन एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट टू बिकम एनायन, उसी को हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में जो गेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, अप टू डाउन जब जाते हैं किसी ग्रुप के रेफरेंस में, हम देखें ग्रुप में जब अप टू डाउन मूव करते हैं, इफ यू मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप देन व्हाट हैपन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट चेंजेस शुड बी ऑब्जर्व इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए, अप टू डाउन जब मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो हाइड्रोजन लिथियम, एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, ये अपना फर्स्ट ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप के अंदर हो जाए कोई भी ग्रुप हो, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ऊपर वाला उस पर वन शेल है, हाइड्रोजन के अंदर है तो हाइड्रोजन इसलिए वन शेल है, लिथियम है तो फिर टू शेल है, सोडियम है तो थ्री शेल है, थर्ड पीरियड में थ्री शेल, फोर्थ पीरियड में फोर शेल हो गए और फाइव शेल। तो ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं कि शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब शेल नंबर इंक्रीज़ होगा तो इनके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा नीचे जाने पर, वीक होता जाएगा। किनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस एंड
आउटर मोस्ट शेल या फिर बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड शेल वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाएगा। अब देखिए, जब कोई एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स चाहिए ताकि वो नेगेटिव चार्ज है वो उस बैलेंस्ड शेल में फिलअप हो सके। मतलब यहाँ पर देखिए, इसके लिए अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इजी है, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर गेनिंग कैपेसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो लॉस करना तो ईजी है, पर वहीं हम गेन करने की बात करें तो वो इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके लिए जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी। इससे ऊपर वाले में देखें तो इसमें थोड़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसमें इसके कंपैरिजन में नीचे वाले के कंपैरिजन में डिस्टेंस है वो थोड़ी कम है। ऊपर वाले में देखेंगे तो और कम है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ईजी हो जाएगा। और इससे ऊपर वाले की और ज़्यादा छोटी साइज है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना और ईजी हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम डाउन टू अपवर्ड जाते हैं तब तो अपोजिट होगा, और लेकिन अप टू डाउनवर्ड आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम कह सकते हैं। तो इनका किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है? व्हाट इफेक्ट विल बी सीन व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप? तो स्टूडेंट्स, इसमें हम बता देंगे कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पहले तो ये सीधा सा पॉइंट देखते हैं। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो होता है अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होता है, कम होता है, नॉन मेटल बनाने की प्रॉपर्टी कम होती जाती है। फिर इसका रीज़न बताएंगे ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अप टू डाउन मूव करने पर क्या होता है, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, शेल नंबर क्या होते जाते हैं, शेल नंबर इंक्रीज होते हैं, और शेल नंबर इंक्रीज होते हैं और साथ ही साथ जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, किन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, बिकम्स वीक। सो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या हो जाएगा, इट विल बी हार्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन इफ़ यू मूव डाउनवर्ड, इट विल बी हार्ड, और या फिर कह सकते हैं कि इट रिक्वायर मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इट रिक्वायर मोर एनर्जी इफ़ वी मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप, इफ यू मूव डाउनवर्ड इन अ ग्रुप। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करना तो ईजी है बट गेन करना हार्ड होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस के पास धीरे धीरे नीचे की तरफ कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। वहीं अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें किसी पीरियड की, इन अ पीरियड, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इफ़ यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो क्या होगा? अब अगर उसमें डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इंक्रीज When we move, किधर से किधर मूव करें, लेफ्ट टू राइट या फिर कह सकते हैं पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये इंक्रीज होता है। क्यों होता है स्ट्रेंड्स?
हमने पहले एटमिक साइज के रेफरेंस में पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी जो साइज होती जाती है वो क्या होगी, साइज है वो स्मॉलर होती जाती है। और स्टूडेंट जब साइज स्मॉल होगी, क्यों होती है साइज, एटमिक साइज इसकी क्या हो जाती है, एटमिक साइज स्मॉलर होती है। एटमिक साइज स्मॉलर होने का मतलब है कि उसमें क्या कम हो रहे हैं, शेल नंबर डिक्रीज होते हैं। शेल नंबर डिक्रीज नहीं होते स्टूडेंट्स, शेल नंबर तो सेम रहता है, शेल नंबर की जो साइज है वो शॉर्ट हो जाती है, शेल नंबर सेम रहता है इसमें। और शेल नंबर सेम रहने से एटमिक नंबर लेकिन बढ़ता है, इसमें एटमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो दोनों इंक्रीज होते हैं। इसकी वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली क्या किए जा सकते हैं, गेन किए जा सकते हैं। मतलब इनको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। एटमिक साइज स्मॉलर हो जाती है, शेल नंबर सेम रहती है, एटमिक नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज होता है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, तो उनके बीच में पाया जाने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, बैलेंस्ड शेल जो होता है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता जाएगा जब इसकी साइज छोटी होती जाएगी, राइट साइड में जब मूव करते जाएंगे तो। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करना इसके लिए हार्ड है। तो इसमें जो एनर्जी चाहिए, इट रिक्वायर, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है उसके बदले में एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, तो इट रिक्वायर लेस एनर्जी टू लॉस, इसको एनर्जी लॉस जो करेगा ये इलेक्ट्रॉन के बदले में, तो इट रिक्वायर लेस एनर्जी टू लॉस फॉर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी लॉस करनी पड़ती है वो कम क्वांटिटी में लॉस करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और वैसे भी आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो लेफ्ट साइड में तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं, आपने देखा होगा। और राइट साइड में जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो ये ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। नेगेटिव और नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और राइट साइड में हम देखते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर होता है। इस साइड आपने देखा कि मेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मेटल जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें एक बात आती है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स, वो है फ्लोरीन। F इसका सिंबल होता है और हम इसको बोलते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों है, देखिए जैसे सबसे ऊपर का एलिमेंट और सबसे राइट साइड में मोस्ट राइट साइड एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, क्योंकि 17th ग्रुप में आता है ये, और 17th के बाद फिर 18th ग्रुप आ जाता है। 18th ग्रुप पे तो न्यूट्रल चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, इस पर जीरो चार्ज है, तो हम 17th ग्रुप तक की बात करेंगे चार्ज से रिलेटेड। और 17th ग्रुप है वो लास्ट में है, राइट साइड में है। और इसमें भी हमने देखा कि अप टू डाउन जाते हैं तब तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, तो यानी कि नीचे से ऊपर आने पर क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि टॉप मोस्ट होना चाहिए और राइट मोस्ट होना चाहिए, तो वो एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं इसको, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट जो न्यूट्रल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है, बट वो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टेन करने के लिए, यानी कि लास्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए या फिर उसको बिल्कुल ही इम्पटी रखने के लिए क्या करता है, अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है
अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उस एलिमेंट पे चार्ज नेगेटिव आता है और वो आयन जो बनेगा उस आयन को हम एनायन बोलते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी या फिर द एबिलिटी और या फिर कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू बिकम स्टेबल इज नॉन एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। थोड़ा सा हम उसको और क्लैरिफाई कर देंगे डेफिनेशन को, कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑप्टेन करने के लिए अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी को ही हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग एनायन इज कॉल्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब ग्रुप में क्या पड़ता है इसका इफेक्ट, हाउ डज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वराई ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप, तो इसमें हम बता देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन जाने पर कम होती है, रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि अप टू डाउन जाने पर शेल नंबर इंक्रीज़ होते हैं, शेल नंबर इंक्रीज़ होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, इनके बीच में पाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाता है। तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर गेन करना होगा तो उसके लिए इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी नीचे जाने पर। ओके, तो इसलिए वो नेगेटिव प्रॉपर्टी है, वो नीचे जाने पर कम शो करते हैं। और लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर आएंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि शेल नंबर हैं वो कम हो जाएंगे, साइज रिड्यूस हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अप टू डाउन जाने पर तो कम होती है, लेकिन डाउन टू अप जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा देखते हैं कि पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ता है। पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों इंक्रीज़ होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि सेम से ही रीज़न रहेंगे इसमें, जो एटमिक साइज वाला रीज़न था तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, कि जो एलिमेंट होते हैं लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटम की साइज डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने पर एटमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन शेल नंबर सेम रहता है। इसकी वजह से जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, और वो इक्वल नंबर में भी होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच पाए जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में भी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, उसके लिए वो ईजिली उसको गेन कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ज़्यादा एनर्जी लॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा एनर्जी उसको लॉस करने की ज़रूरत नहीं है तो वो ईजिली अपने आप को नेगेटिव बना सकता है, ईजिली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। धीरे धीरे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कैरेक्टर है वो बढ़ता है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो हम बात करें तो इसको हिंट से याद रख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल होते हैं, आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है ये, तो ये मेटल्स होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लेकिन राइट साइड में आपने देखा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये सब नॉन मेटल होते हैं। तो राइट साइड में नॉन मेटल है, लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज या फिर एनायन बनाने की कैपेसिटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो फ्लोरीन में होता है। F इसका सिंबल है, 9 इसका नंबर है, एटमिक नंबर 9 होता है, तो ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए सबसे राइट साइड में है, एक तो वैसे तो 18th ग्रुप होता है राइट साइड में, लेकिन 18th ग्रुप नॉबल गैसेस होती हैं जिनका वैलेंस्ड शेल होता है वो ऑलरेडी स्टेबल रहता है, तो उनको इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नॉबल गैस की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होती है, ना तो वो कैटायन होती है, ना वो एनायन होती है, ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, ना वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है। तो नॉबल गैसेस को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स की बात करेंगे हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें 17th ग्रुप है वो हम कंसिडर करेंगे,
सबसे राइट में 17th ग्रुप आता है जो कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा शो करेगा। अब राइट साइड में भी हो गया, और फिर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें सबसे ऊपर से नीचे जाने पर तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो हम क्या करेंगे, डाउन टू अपवर्ड आएंगे। 17th ग्रुप अपना कौन सा था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन और एस्टिटाइन, फिर कलवारा यांटी हिंट से हमने इसको लर्न किया था। तो इस ग्रुप में देखिए नीचे जाएंगे तब तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, तो हम ऊपर आते हैं और ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है, वो फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, पॉजिटिव का भी आपको ध्यान होगा, उसका एफ आर होता है फ्रेंशियम, वो सबसे लेफ्ट साइड में और सबसे डाउनवर्ड होता है, तो फ्रेंशियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है और फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रो नेगेटिव, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव तो है फ्लोरीन और मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा फ्रेंशियम। ओके स्टूडेंट्स।